बेरवा जाति का गौरवशाली इतिहास। दोस्तों, बेरवा जाति को हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा गया है। दोस्तों, ये जाति पहले आन शान की तरह रहा करती थी। ये वही जाति है जो दुनिया भर में सूर्यवंशी क्षत्रिय के नाम से जानी जाती है। आज सभी जातियों को अलग अलग बांट दिया गया है। जो भी जातियाँ एससी एसटी वर्ग में आती हैं, ये सभी जातियाँ पहले एक वंश यानी सूर्य वंश के नाम से जानी जाती थी, जिनमें से एक जाति बेरवा जाति भी आती है। दोस्तों, बेरवा जाति और अन्य जातियों पर सिकंदर लोदी द्वारा अत्याचार करके इनको भेदभाव छुआछात के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। दोस्तों, वर्तमान में बेरवा जाति का काफिला बहुत ही उन्नत पर है। आज के समय बेरवा जाति बुलंदियों को छू रही है। बेरवा जाति का मुख्य कार्य यूं तो कृषि एवं वन निर्माण के लिए माना गया है, लेकिन वर्तमान में आज बेरवा जाति बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बेरवा जाति आज लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देने लगी है। बेरवा जाति एक महान और मेहनती जाति मानी जाती है। बेरवा जाति ज़्यादातर भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों, बेरवा जाति मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। बेरवा जाति भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में रहने वाली अनुसूचित जाति हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के हर जगह पर इनका दबदबा है और हर जगह पर ये पाई जाती हैं। दोस्तों, बेरवा जाति के लोग ज़्यादातर अपना भगवान रामदेव जी यानी रामसा पीर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही इनका साथ देने वाले संत रविदास जी और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को भी ये मानते हैं। दोस्तों, बेरवा जाति की जनसंख्या राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 12,60,685 मानी गई है। दोस्तों, देश की इस मेहनती जाति को दिल से सलाम। दोस्तों, यदि आप बेरवा जाति के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।